What's going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to the video of Wobbly Life. And guys, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग आ चुके हैं दोबारा से Wobbly Life के अंदर. And look at it. देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना guys, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर भाई स्नो को एनकाउंटर किया था. यानी कि guys, बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो रही है Wobbly Life में. And मैं और चॉप भाई एक दिन एडवेंचर कर रहे थे एंड अपने को सडनली भाई एक केव मिली. तो मैंने बोला चॉप, सुन भाई, इस केव को एक्सप्लोर करेंगे, बट इसके पहले अपन लोग भाई ऑडियंस का वेट कर लेते हैं ना गाइस, अपन लोग आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तो चलो भाई, मैंने अपना हवर बोर्ड निकाल लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू गो टू चॉप्स हाउस. ओए चॉप के बच्चे, क्या कर रहा है? बाहर निकल जा भाई. तो भाई रुको, आ रहा हूं ब्रो, 2 मिनट का समय दो मेरे को. हां हां, आ गया आ गया. अबे एक तो इसका गेट नहीं खुलता है. ऑलराइट गाइस, चॉप इज हियर. ओहो, फुल रेडी वेडी हो गए हो. देखे तो कपड़ा क्या पहना है भाई तूने? तो भाई ये देखो, ये है मेरा आउटफिट ब्रो, कैसा लग रहा है? अरे रेनडियर बना है भाई इसके कपड़े पे. यार ये वाला कपड़ा बहुत सही यार, मेरे पास नहीं है गाइज. चलो कोई बात नहीं भाई, जहाँ हम लोगों को जाना है वैसे भी इन कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली नहीं है. लेट्स गो. एक्चुअली यू नो व्हाट, हम लोग पता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. मेरे को ना यार वहाँ पर जाने के लिए हवर बोर्ड नहीं, हेलीकॉप्टर की जरूरत है. तो एक काम करते गाइज, मेरे घर में आप लोगों को पता ही है कि एक जबरदस्त सी हेलीकॉप्टर हमारा इंतजार करते रहती है. तो चलो उसी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं एंड यहाँ पर से निकलते हैं. चलो 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 चलो. ऑलराइट गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं हेलीकॉप्टर की सवारी करने के लिए एंड हमारी हेलीकॉप्टर निकल चुकी है आसमान की ऊंचाइयों में. एंड गाइस, ये जो डेस्टिनेशन जहां हम लोग जाने वाले हैं ना, ये थोड़ा सा पिक्यूलियर होने वाला है, क्योंकि भाई यहां तक, यहां पर पहुंचने के लिए बेसिकली गाड़ी से भी बहुत टाइम लग जाएगा, हवर बोट से भी बहुत टाइम लग जाएगा, बट हेलीकॉप्टर और प्लेन तुम्हें सबसे इजीली पहुंचा देंगे. और ये लोकेशन आप लोगों को तो पता ही है, वॉबली 51 के पास होने वाली है गाइज, सबसे ज्यादा सीक्रेट एरिया है वो इस गेम का. तो भाई यार इस एरिया में तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रो जाना, यहाँ पर एलियन वगैरह होंगे तो अपने को पकड़ के रख लेंगे ब्रो. अरे तो अपन लोग इधर थोड़ी आ रहे भाई, अपने को तो इस माउंटेन के भी पीछे जाना है. एक्चुअली गाइज, मौसम जो है ना वो खराब हो रहा है, तो मे बी इट्स अ बैड आइडिया. हम लोग एक काम करते हैं, अपने इस हेलीकॉप्टर को ना यहाँ पर पार्क कर देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर से भाई अपना हवर बोर्ड लेकर के आगे का डिस्टेंस अपन लोग हवर बोर्ड पे पार करेंगे. तो एकदम नाइस एंड इजी लैंडिंग करते हैं एंड लेट्स गो. चलो 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 भाई, बहुत ठंडी है भाई. ओके, ये किया हम लोगों ने हवर बोर्ड. कहाँ गया मेरा हवर बोर्ड? ओके, हवर बोर्ड सिलेक्टेड, लेट्स गो. ओए चॉप के बच्चे, कहाँ रह गया तू? भाई 2 मिनट हवर बोर्ड निकाल रहा हूँ ब्रो. ओके, तो हवर बोर्ड निकल चुका है गाइज. अब जाना है हम लोगों को एक्चुअली इस पहाड़ के उस पार, लेकिन ये हवर बोर्ड में इतनी पावर है? अरे नहीं 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 नहीं, 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 इससे तो नहीं हो पाएगा. आई थिंक हम लोगों को यार उधर से घूम के जाना पड़ेगा. भाई बताओ यार, इससे अच्छा तो आप लोग हेलीकॉप्टर से ही चले जाते ब्रो. अबे तू वेट करना भाई, इतना मस्त एक्सप्लोरेशन करेंगे ना अभी अपन लोग, होश उड़ जाएंगे तेरे. एक बार याद है गाइज, हम लोगों ने येटी वाली गुफा एक्सप्लोर की थी, ये कुछ वैसा ही होने वाला है. ओ भाई, इतनी बड़ी ब्रिज बन गई यहाँ पे. ऑलराइट, एक्चुअली इस ब्रिज की एंट्री जो है वो यहाँ पर है. लुक एट इट, ये भाई पहले नहीं हुआ करता था. आप लोगों को याद होगा अपन लोग आए थे, यहाँ पर कोई भी लॉग हाउस नहीं था, बट अब इन लोगों ने नए अपडेट में सब कुछ फिक्स कर दिया है. तो रुको रुको, अपन लोग हवर बोर्ड लेके ही चलेंगे, ठीक है? क्या पता भाई ऊपर जरूरत पड़ जाए. एक सेकेंड, अबे ये अंदर क्यों नहीं जा रही है? ऑलराइट गाइज, लेट्स गो. आजा भाई चॉप, आराम से आजा, धीरे धीरे अंदर आने दे. ये बात, अबे मेरे मुंह पे क्यों टकला मार रहा है भाई? भाई अरे सॉरी यार, थोड़ा गलती से लग गया था, चलता है भाई दोस्ती में. अबे आज से तो तू भाई मेरे को डेली मारेगा और बोलेगा दोस्ती में चलता है. ऑलराइट गाइस, चॉप भी लगता है एक्साइटेड है, अपन लोग भी एक्साइटेड है. जा कहां रहे हैं वैसे? काफी ऊपर जा रहे, कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को. एलिवेटर के अंदर का सिर्फ इंटीरियर दिख रहा है गाइस. ऑलराइट तो गाइस, लगता है हम लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं, किसी भी समय हम लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं. रेडी हो जाओ चॉप, अपना अपना हवर बोर्ड पकड़ लो ब्रो, कोई नहीं जानता है आगे हमारा क्या इंतजार कर रहा है. तो भाई अगर यहां पर से गिरे तो बहुत नीचे जाओगे ब्रो. अरे एक्चुअली ना, मैं सोच रहा हूं हवर बोर्ड को यहां पर पार्क कर देते हैं, ठीक है? ये लो, बहुत बढ़िया. यहां से वैसे भी कौन ही चोरी करने आएगा. ओ ये देखो गाइस, यहां पर पहुंचने का दो रास्ता है, एक ये सीढ़ी वाला है एंड दूसरा भाई ये एलिवेटर वाला है. तो चॉप के बच्चे, अगर तेरे को कभी एक्सरसाइज करने का मन करे ना, बस भगता हुआ आ जाइयो इन सीढ़ियों से ऊपर, समझा? ओके भाई देखो, पेट मेरा नहीं आपका निकला रहे ना, कहां कूद गए ब्रो? अरे बचाओ भाई, बच्चे की जान लोगे क्या? ओ एक काम कर, लिफ्ट नीचे भेज दे भाई, मैं फिर से आ रहा हूं ऊपर. ऑलराइट गाइस, चॉप यहां पर दोबारा से आ चुका है हम लोगों को लेने के लिए. सॉरी भाई, गलती हो गई, ठीक है? गलती हो गई, माफ कर दो, अगली बार से नहीं कूदूंगा मैं वहां से. ओके भाई बताओ यार, बच्चों के जैसा काम करते हो और मेरे को बोलते हो ब्रो. अरे नहीं करूंगा भाई. अरे अरे क्या कर रहे हो यार, बच्चे की जान लो क्या, छोड़ो मेरे को अकेले. ऑलराइट गाइस, दोबारा अपन लोग पहुंच चुके हैं, पहली बार गलती हो गई थी. तो या लेट्स गो इनसाइड, इट्स टाइम टू एक्सप्लोर. ओके तो यहाँ पर बेसिकली आपको याद होगा हम लोगों ने एक मिशन किया था और उस मिशन में अपने को भाई एक बंदे को बचाना था. उस बंदे को मैंने बचा तो लिया था गाइस, बट अब वो बंदा नहीं है एंड ये एरिया अब हो चुका है अनलॉक. ये क्या है भाई, रुको तो इधर चेक करें अपन लोग. ओ यहाँ पर मेरे
को चिजल दिख रहा है एंड आई थिंक इसको हम लोगों को कार्व करना पड़ेगा, है ना चॉप? ओके भाई, लेकिन ये औजार तो टूट गया है ब्रो। अरे इसको ठीक करेंगे यार अपन लोग, लेकिन गाइस अभी के लिए आई डोंट थिंक हम लोग इस एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मे बी हम लोगों को उस डायरेक्शन में जाके देखना चाहिए, क्या पता हम लोगों को इधर कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाए। ऑलराइट, ओ ये देखो ये क्या है भाई, ये कितना कूल है। ओके यू नो व्हाट गाइस, मैं लेफ्ट वाले में बैठ रहा हूँ, चॉप तू राइट वाले में बैठ जा एंड मैं बीच वाले में जा रहा हूँ, तेरे को जिसमें जाना है चला जा। एंड अब टाइम है एक जबरदस्त स्लेड राइड का और ये वो निकल चुके हैं हम लोग एक नई सफर पे। ओ भाई, अरे अरे अरे, अरे शिट, कुछ जा भाई, मजेदार सफर है ये तो। अरे भैया इतने सारे आइस स्पाइक्स आ गए रास्ते में भाई, सबको तोड़ते पोड़ते। तुम्हारा फ्रॉस्टी भाई ये कहां आ गया मैं? ओ लुक एट इट, ये तो पेंगुइन्स का एक छोटा सा जगह है। अबे चॉप तू कहां रह गया? ओके भाई, अरे आ रहा था, थोड़ा टाइम लग गया ब्रो। अबे जल्दी आ जा यहां पे, देख भाई कितने सारे क्यूट क्यूट पेंगुइन्स हैं, ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखो ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाओ यार, यहां पर किसको पता था एक कॉलोनी होगी पेंगुइन्स की। ओके तो एक्चुअली मैं अभी तक मेरे को समझ में नहीं करना क्या इधर, तो आई थिंक मेरे को एक छेद दिख रहा है। ओ नहीं नहीं, ओ नहीं, छेद के नीचे नहीं। ओ चॉप मदद कर मेरा, मैं ऊपर नहीं उठ चढ़ पा रहा। ओ भाई मेरे को अंदर नहीं गिरना है ब्रो। ओके भाई आराम से ब्रो, आपका टकला पकड़ लूंगा मैं, जंप करते रहो। ओ थैंक यू। अबे नूबड़े तू क्यों गिर गया नीचे? अब रुकियो रुकियो रुकियो, वो देख वहां से रास्ता है, रुक एक सेकंड। अगर अपन लोग इधर से जंप मारे और इधर से जंप मारे तो हो गया। चलो चलो, नहीं नहीं कूदना नहीं कूदना नहीं। ओके लेट्स सी गाइस, हम लोगों को यहां पर एक्सप्लोर करना है और क्या क्या चीजें हैं। ओ यहां पर तो आइस हॉकी टूर्नामेंट भी हो रहा है। ये देखो ऑडियंस में पेंगुइन लोग भाई अपना इंतजार कर रहे हैं कि कब लोग आएंगे और यहां पर आइस हॉकी खेलेंगे। आई एम सॉरी पेंगुइन लोग, लेकिन अपन लोग यहां पर एडवेंचर करने आए हैं, आइस हॉकी खेलने नहीं आए हैं। और ये देखो यहां पर से और सामान खरीद सकते हैं अपन लोग। ओ स्केटबोर्ड भी खरीद सकते हैं, आई मीन स्नोबोर्ड, स्केटबोर्ड नहीं स्नोबोर्ड खरीद सकते हैं गाइस। और ओ ये रहा, ये देख ब्रो अपने को मिल गया चिजल जो हम लोगों को खरीदना था। ओके गाइस एक काम करता हूं। ओए ये क्या ले लिया तूने? भाई मेरा मन कर गया ब्रो एयर हॉकी खेलने का। अबे अभी टाइम नहीं है, चल मेरे साथ, देख मेरे को चिजल मिल गया, फॉलो कर। ऑलराइट गाइस, चॉप भाई यहां पे मस्ती खोरी के विचार में लग रहा है, बाद में मस्ती करेंगे, अभी भाई मेन चीज एक्सप्लोर करनी है। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने मना किया है अपने को इधर कूदने के लिए, बट स्टिल आई वांट टू फाइंड आउट कि अगर अपन लोग कूदते तो क्या होता है। ओ भाई कहां जा रहा हूं मैं? भाई बहुत बड़ा गड्ढा है गाइस यहां पर, लेट्स गो अंदर जाएंगे। ओ भाई बहुत अंदर तक सुरंग जा रही है ये। ओके भाई, अरे यार मेरा गेम लीव कर गया ब्रो। अरे कोई ना, तू बाद में आ भाई। ऑलराइट लुक एट दिस गाइस, मैंने यहां पर एक नया एरिया एक्सप्लोर किया है। ओ भाई ये क्या है, यहां पर तो गोल 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 पूरी ट्रैक्स बनी हुई है, इस पे भी हम लोग यार मस्त आइस स्केटिंग कर सकते हैं। गाइस यार ये एक बार एडवेंचर को फिगर आउट कर लूं मैं, उसके बाद इतनी मस्ती करेंगे ना हम लोग यहां पर भाई, देखते रहना तुम लोग। और वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक तो मारना बनता है यार, कम ऑन गाइस फटाफट से लाइक मारो एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बट वेट अ सेकंड, ये क्या देख रहा हूं मैं भाई, यहां पर इतना बड़ा भवंडर था और उसके बाद ये क्या छेद आ रहे? नहीं छेदे छेदे गिर गया। ओके चलो आई थिंक वी आर सेफ, इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं है इस छेद के अंदर। मेरे को तो लगा भाई अपन लोग निकल ही नहीं पाएंगे। ओ बर्फ खत्म हो गई गाइस। अच्छा तो बेसिकली अपन लोग बाहर आ गए। ओ डोंट टेल मी मेरे को पूरा रास्ता ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा ब्रो, दैट्स क्रेजी। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग यहां पर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए तो जा रहे हैं, लेकिन ये सीढ़ियां इतनी बड़ी है भाई, ऐसा लग रहा है कितना ऊपर जाऊंगा मैं। लेकिन गाइस मेरे को अपनी मंजिल दिखाई दे रही है, चॉप हो या फिर ना हो हमारे यादों में तू हमेशा रहेगा दोस्त, टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं भी मस्ती कर लूंगा। डॉक्टर भाई लेकिन मेरे को किक क्यों मार दिया ब्रो? अबे मैंने थोड़ी मारा है, इन गेम वालों से पूछना भाई, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। ऑलराइट ऑलराइट, बस थोड़ा सा और गाइस एंड अपन लोग ऊपर पहुंचेंगे। ऑलराइट सो गाइस वी मेड इट टू द टॉप, और भाई काफी लंबा सफर था, झूठ नहीं बोलूंगा, आई मीन नीचे देख के भी मेरे पसीने छूट जाते हैं भाई, इतनी सारी सीढ़ियां। ओ माय गॉड, बच्चे से क्या क्या करवाते हैं यार ये लोग। लेकिन अब हम लोग फाइनली भाई इस चिजल का इस्तेमाल करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस आइस क्यूब के अंदर ऐसा कौन सा राज छुपा है जो हम लोग नहीं ढूंढ पा रहे। चलो चलो मारो इसको। ओ ये क्या मिला मेरे को? ओ ये तो चॉप देख रहा तू भाई, ये पेंगुइन वाली मूर्ति है यार। डॉक्टर भाई मेरी मॉनिटर स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहा, लेकिन आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे को भाई। अबे मेरे को पता है इसका क्या करना है गाइस, एक्चुअली मैंने ये जो चीज है हम लोगों को इसको लेकर के जाना है म्यूजियम। जी हाँ, क्योंकि ये ऐसे नहीं अपन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते, अगर मैं इसको म्यूजियम पे डिपॉजिट करूंगा ना तो वो लोग मेरे को भाई कुछ देंगे आई थिंक इसके रिटर्न में। तो चलो इसको लेके चलते हैं और क्या। ओ भाई सावधानी से, अगर ये गिर गया ना बहुत लेने के देने पड़ जाए।
जाएंगे। एक काम करो, तुम मस्त कोने में रिलैक्स मारो दोस्त एंड नजारों का मजा लो। ओ गाइस, रात भी काफी हो गई यार, देख रहो रात के एकदम 8:30 बज चुके हैं। मैं काम करता हूँ, जल्दी से नीचे उतरूंगा। और भाई पता अपन लोग इतने रूरल इलाका में यार, यहाँ पे गाड़ी है? अच्छा मेरे को एक नीचे गाड़ी दिख तो रही है गाइस, अगर हम लोग उस गाड़ी में बैठ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके गाइस, हमारी डेस्टिनेशन काफी दूर होने वाली है। जी हाँ, मतलब आपको तो पता ही है म्यूजियम यार पास में नहीं है भाई, बहुत दूर है वो। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, अपन व्हाट इज दिस भाई, ये क्या है? ये सांता क्लॉज का हाउस है क्या? गाइस इसको अपन लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? मेरे को वो रूडोल्फ जैसा कोई बंदा दिख रहा है वहाँ पे, बट याद रखना दोस्तों अगली वीडियो उसके ऊपर चाहिए तो लाइक मारो फटाफट से, एंड चैनल पे नए हो तो आपको पता ही है क्या करना है भाई, फटाफट से सब्सक्राइब। ऑलराइट लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर लोकेशन पे। भाई इतना टाइम लग गया गाइस ड्राइव करने में, बट फाइनली वी मेड इट। अब हमें पता चलेगा कि म्यूजियम में हम लोगों को ये वाली ट्रॉफी देके मिलता क्या है। भाई एक्चुअली ये ट्रॉफी डक की है कि डव की है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं, बट जिस भी चीज की है भाई अपने को देने का है। हेलो मिस्टर, एक सेकंड, अरे निकल, अबे बाथरूम में घुस गई है ये। भाई और फेंक के रखो, अब निकालने में दिक्कत हो रहा है ना ब्रो। अबे निकाल के रहूंगा मैं अभी फ्रॉस्टी भाई हूं, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले दोस्त। निकल तेरी ऐसी की तैसी। ओके निकल गया, लेट्स गो फाइनली। अब इसको बस दे देना है मेरे को और हमारा प्राइज हमारे हाथों के अंदर होगा। चलो। हेलो, थैंक यू सो मच, व्हाट अ ग्रेट आर्टिफैक्ट इन सच अ गुड कंडीशन। और क्या मिला? अच्छा तो ऐसे 4 और आर्टिफैक्ट चाहिए। तो गाइस हमारा आइस केव का पहला आर्टिफैक्ट हम लोगों को मिल चुका है, तो बाकी के जो आर्टिफैक्ट है उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को बार बार उस आइस केव में जाना होगा, उनके मिशंस को कंप्लीट करना होगा, एंड मे बी एट द एंड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं आखिर में क्या है ऐसा जो हम लोगों को मिलने वाला है, जो सुपर प्राइज है गाइस हमारा, समझ रहे हो तुम। एनीवेज अभी के लिए तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा गाइस उस केव में। ऑलराइट गाइस, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि यार देखो एक्चुअली पार्ट 1 बहुत बड़ा बन जाएगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें हम लोग बाकी मिस्ट्रीज भी सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से लाइक मारो एंड हम लोग यार उस वीडियो को जल्दी से लेके आएंगे। वेल फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन स्टे फ्रॉस्टी।